हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे भले चंगे होंगे सब, और मैं भी ठीक हूँ। और अब मेरा एकदम से मन किया कि कुछ मीठा बनाते हैं, दूध भी रखा हुआ है तो क्यों ना कुछ मीठा बनाया जाए। तो मैं लेके आई थी एक नॉन स्टिक हांडी, तो मेरा मन है कि उस हांडी में कुछ बनाऊँ मीठा। तो अभी आपको दिखाती हूँ जो हांडी लेके आई थी वो। तो ये है वो हांडी, देखिए, और बहुत पसंद आई मुझे ये। मेरे को चाहिए था इस टाइप से कुछ, तो दिखाती हूँ आपको इसकी पैकिंग खोल के। और ये इस तरह की पैकिंग में आई है, देखिए। ये ढक्कन आया है इसके साथ, इस टाइप का स्टील का ढक्कन है, काफ़ी भारी है, अच्छा मजबूत ढक्कन है। और हांडी देखिए, बाहर से देखिए इसकी फिनिशिंग। और इसमें 4.25 लीटर दूध या 4.25 लीटर चीज़ जो भी हम बनाएंगे वो आ सकती है इसमें। 4.25 लीटर लिखा हुआ है, और ये इंडक्शन पे भी चल जाएगी सबसे अच्छी बात, और गैस पे भी चल जाएगी, और अच्छी भारी है ये। और ये देखिए अंदर से नॉन स्टिक इसका, तो क्यों ना हम इस आज नई हांडी में कुछ बनाएं स्पेशल सा, तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। इसके साथ क्या आया है, और ये मिलता है हमें इसके साथ में, देखिए गारंटी कार्ड, और इसमें 1 साल की वारंटी है। तो रख लेते हैं, और अब अपनी इस हांडी में बनाते हैं बढ़िया सी एक अच्छी और गर्मियों में खाने वाली सबसे ज़्यादा अच्छी सी रेसिपी। तो मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो खीर, जो कि बहुत टेस्टी, गर्मी देखिए कितनी है, पसीने पसीने हो रहा है, जो बहुत टेस्टी बनती है मैंगो खीर, और इतनी अच्छी बनती है कि बच्चे बड़े सब खाएंगे, और एक अलग सी नई सी रेसिपी है। और इस टाइम तो गर्मियों में मैंगो भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे ही मैंने देखिए ये दूध रखा है, जो मैंने दूध लिया था, फुल क्रीम दूध है मेरे पास, तो ये ले लिया है मैंने, ये मेरे पास 2 लीटर दूध है। तो सबसे पहले गैस ऑन कर लेते हैं, और इस दूध को इसमें डाल देते हैं। तो ये मैंने पूरा जो 2 लीटर दूध था वो इसके अंदर डाल दिया है, और अब इसको अच्छे से उबलने देते हैं, अच्छे से गर्म होने देते हैं जब तक इसमें उबाल आता है। और देखिए दिखने में कितनी सुंदर लग रही है हांडी, और उसका डिज़ाइन भी इतना प्यारा है ना, बिरयानी बनानी है कुछ भी बनाना, तो मुझे तो देखते ही पसंद आ गई और मैं ले ही ली इसको। और आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट्स में बताना, एंड हैंडल भी इसकी बहुत अच्छी है। दूध को गर्म होने देते हैं, तो यहाँ पे ही ले लिए थे मैंने चावल, ये देखिए इनको भिगो के रख दिया है, ये बारीक वाले चावल हैं, टुकड़े नहीं आते वो हैं ये, तो इनको मैंने आधा घंटे पहले ही पानी में भिगो के रख दिया था। तो ये 2 लीटर दूध है हमारे पास, तो मैंने 2 मुट्ठी चावल लिए, 2 मुट्ठी लेते। और अगर आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ी बनानी है तो ज़्यादा ले सकते हो, पर 2 मुट्ठी 2 लीटर दूध में सबसे सही है खीर के लिए, जो हमारी मैंगो खीर बनेगी उसके लिए। तो इनको और अच्छे से भीगने देते हैं जब तक दूध गर्म हो रहा है हमारा, जब तक। यहाँ पर मैंने ये मैंगो ले लिया एकदम, देखिए पीला है पका हुआ, इसको छील के और कट कर लेते हैं। खट्टा आम नहीं लेना है हमें, एकदम पका हुआ पीला आम लेना है, और अभी तो आम काफ़ी आ रहे हैं सीजन में गर्मियों में।
कुछ तो हम मोटे मोटे काटेंगे क्योंकि हमें इनको पीसना है, और कुछ बारीक बारीक कट कर लेंगे जो हमें खीर में सर्व करेंगे जब डालने के लिए चाहिए। ये सारा निकाल लेते हैं इसमें से, गुठली में से जितना भी पल्प है हम तो सारा ले लेते हैं। तो यहाँ पे ही मैंने बारीक बारीक कट करके रख लिया और ये निकाले। इसको मिक्सी के जार में पीस लेती हूँ और अपने दूध को चेक करते हैं। अभी यहाँ पे अच्छे से बॉयल हो, अब यहाँ पे चावल मिक्स कर देते हैं जो हमने भिगो के रखे हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं, इसको उबलने देते हैं और बाकी के अपने जो आम है उसको पीस के तैयार कर लेते हैं। जब तक हमारी वहाँ पे खीर उबल रही है, जब तक मैंने इसमें वो ले लिए मैंगो कट करके और उनको पीस लेता हूँ। पानी नहीं डालना हमें इसमें बिल्कुल भी। तो पीस के तैयार हो गया ऐसा। और यहाँ ये देखिए खीर उबल रही है हमारी अच्छे से। जल्दबाजी नहीं करनी हमें, इसको अच्छे से उबालना है। अगर जल्दबाजी करेंगे तो खीर अच्छी नहीं बनेगी। धीमी धीमी आँच पे इसको अच्छे से पकने देना है। जितना ये अच्छे घुट घुट के बनेगी ना, हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका होता है खीर, उतनी स्वादिष्ट लगेगी। तो इसको पकने देते हैं और बाकी की तैयारी कर देते हैं। अब ये जो आम का पल्प हमने निकाल के रखा है ना पीस के, इसको फ्रीज में रख देते हैं एकदम ठंडा करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ये दो ब्रेड ले लिए हैं। वाइट ब्रेड होनी चाहिए थी लेकिन मेरे पास वाइट ब्रेड नहीं थी, ब्राउन ब्रेड है। तो उनके साइड की किनारी मैंने कट कर ली है और अब इनको बारीक बारीक ऐसे तोड़ लेंगे, इनका चूरा कर लेंगे। आप चाहो तो मिक्सी में भी पीस सकते हो लेकिन मैं ऐसे चूरा चूरा करके डालूँगी, जिससे कि जो हमारी मैंगो खीर है उसमें एकदम लच्छा रबड़ी और खीर दोनों का टेस्ट आएगा। तो इसको ऐसे बारीक कर लेते हैं अच्छे से, और इतनी टेस्टी खीर बनेगी ना कि कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि आपने इसमें ब्रेड डाली है। एकदम मावा जैसा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे ये मैंने ऐसे कर लिए, इनको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया। काजू और बादाम दोनों को बारीक बारीक कट करके रख लिए। चार पांच इलायची ले लिए, इलायचियों को थोड़ा सा क्रश करके रख लिया है। अब अपनी खीर को देख लेते हैं। जो भी किनारियों से मलाई जो जमा हो गई लच्छे बनके, उसको हटा के इसी में मिक्स कर देंगे। और अब इसमें जो ब्रेड क्रम्स हमने बना के रखा है ये डाल देते हैं। इनको अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। खीर हो रही है बनके तैयार, और मुझे तो हांडी इतनी अच्छी लग रही है, बार बार उसको देखने का मन कर रहा है। बहुत ही सुंदर है, रखी हुई भी अच्छी लग रही है। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करके बताना। और जो हमने ब्रेड डाली है उससे ऐसे लच्छे आएंगे जैसे आप रबड़ी खा रहे हो, रबड़ी जैसे लच्छे आएंगे। तो बस अभी थोड़ी देर में बनके तैयार हो जाएगी। एकदम ऐसे लग रहा है इसे रबड़ी, दूध और चावल एक साथ आ रहा है, लग रही ना एकदम मज़ेदार रबड़ी जैसी। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी चीनी ली है। आप चीनी अपनी अकॉर्डिंग दे सकते हो जितना मीठा खाओ। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी ली है, छोटी कटोरी है। इसको चीनी डाल के अच्छे से मिक्स करते हैं। जो हमने इसमें ब्रेड डाली ना उसके लच्छे देखिए, रबड़ी से कम नहीं है, एकदम रबड़ी जैसी खीर बनके तैयार हुई है हमारी। और इसमें डाल देते हैं इलायची जो हमने कूट के रखी है, और बस चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो गई और ये हमारी खीर हो गई बनके तैयार। अब इसको मैंगो खीर कैसे बनाना है, इसको पहले हम थोड़ा ठंडा करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देते हैं, उसके बाद आगे इसको कैसे मैंगो मिक्स करना है बताऊँगी आपको। अब यहाँ पे ये खीर ठंडी हो गई है हमारी, मैंने फ़ैन चला के और इसको छोड़ दिया था, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई है देखिए, और एकदम गाढ़ी भी हो गई है। तो यहाँ पे एक ढक्कन गुलाब जल डाल दूँगी मैं, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी खीर में, और ये खुशबू आ रही है, और ये एकदम प्योर खाने वाला गुलाब जल है देखिए। और इसको मिक्स कर देंगे। तो अब इसको सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ही कांच का ग्लास ले लिया है। तो सबसे पहले ये हमने यहाँ पे जो ये मैंगो का पल्प निकाल के रखा है ना पीस के, ये डालते हैं ग्लास में।
से काजू बादाम। अब इसके बाद जो ये हमने जो खीर बनाई है अपनी रबड़ी खीर, इसको मैंने एक कटोरी में निकाल लिया। अब ये डालते हैं इसमें। और अब फिर से एक चम्मच ये मैंगो पल्प डालेंगे और थोड़े से यहाँ पर ये जो हमने मैंगो कट करके रखे हैं बारीक बारीक ये डालेंगे। फिर से एक बारी खीर डाल देंगे। और एक चम्मच ऊपर से इसके पल्प डाल देंगे मैंगो का। ये मैंने फ्रीज में रख दिया था तो एकदम ठंडा हो गया है और खीर को भी ठंडा कर लिया है। इसको अच्छे से फैला देंगे चारों तरफ। अब कटे हुए मैंगो डालेंगे इसके ऊपर। अब लास्ट में डालेंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने काजू और बादाम कट करके रखे हैं। तो ये देखिए, ये हो गई हमारी मज़ेदार मैंगो खीर तैयार। इस तरीके से सर्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है, हाँ मैंने ये एक बाउल ले लिया, इसमें खीर को ले लिया, खीर को थोड़ा ठंडा कर लिया और अब ये जो मैंगो का पल्प है हम इसमें मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको और अब इस पर ड्राई फ्रूट डाल देंगे ऊपर से। और बहुत थोड़े से कटे हुए मैंगो डाल देंगे। जो तरीका आपको अच्छा लगे वैसे सर्व कर सकते हैं। और आप चाहो तो पूरी खीर के अंदर भी मैंगो का पल्प जो है वो मिक्स कर सकते हो, लेकिन इस तरह से सर्व करोगे ठंडा ठंडा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, ये हो गया मज़ेदार। तो ये जाएगी लड्डू गोपाल के भोग के लिए और ये मैं दे देती हूँ मन्नू को और बाकी फ्रिज में रख देती हूँ। जितनी ठंडी होगी ना ये उतनी ही टेस्टी लगेगी। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और ये खा के देखना आप रबड़ी खाना भूल जाओगे, बहुत टेस्टी होती है। तो फ्रेंड्स, हमारी मैंगो खीर हो गई बनके तैयार और मैंने टेस्ट करके देखी। पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाया, मन्नू को दिया, मैंने टेस्ट की, बहुत ही टेस्टी बनी है। मैं बस क्या बताऊँ आपको, आप लोग खुद ट्राई करना, फिर चख के देखना, फिर मुझे बताना कि कैसी लगी आप लोगों को। मुझे तो बहुत टेस्टी लगी, सुपर सुपर से भी ऊपर। और आप लोग ज़रूर इस तरह से ट्राई करना और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी और आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपकी, लेकिन मज़ा आ जाएगा आपको खाने के बाद ना। और उसको फ्रिज में रख के आ गई हूँ, जितनी ठंडी होगी उतनी मज़ेदार लगेगी। तो बस अब उसको रख के आ गई और आके अब थोड़ी देर बैठे हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि पसीने पसीने हालत ख़राब हो रही है। और जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो पंखा भी बंद करना पड़ता है, नहीं तो बहुत आवाज़ आती है फ़ैन की, तो मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देगी आप लोगों को। और बस कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा मुझे। और अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ।